दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले इंग्लिश का लेसन प्लान जो कि आपकी क्लास एट्थ के लिए है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लास एट्थ। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो देखिएगा, वीडियो से अगर आप लोगों को लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और आप लोगों को एक एक चीज़ मैं यहाँ पर समझाता चलूँगा, किस हेडिंग का यूज क्यों करते हैं, इसके अंदर क्या लिखना है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाता चलूँगा। और डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलते रहें। और अगर 100% मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, या फिर कोई भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोर्सेज कर रहे हैं और आगे चल के आप भावी शिक्षक बन भी जाएंगे, उस समय भी आपको ये चैनल लाभदायक यहाँ पे आपको होगा। तो पूरा लंबे समय तक के लिए आपके लिए ये चैनल लाभदायी हो, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो यहाँ पे देखिए, देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान नंबर लिखा गया है यहाँ पे 13। इस तरीके से आपका जो भी नंबर होगा लेसन प्लान का उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना को पढ़ाया, लेसन प्लान को पढ़ाया। सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रोज। नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पे आपको उस कॉलेज का नाम लिखना है जिस कॉलेज में आप ये लेसन प्लान पढ़ाने के लिए जाएंगे। अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना होता, जहाँ पर टीचिंग आपकी लगती है उसका नाम लिखना होता है। पीरियड है थर्ड, आपका जो पीरियड होगा उसको लिखिएगा। ड्यूरेशन है 35 मिनट का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अ गोल्डन बाउल। नेक्स्ट अब आता है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आपको जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनको क्या सिखाना चाहते हैं, उसके बारे में जनरल ऑब्जेक्टिव्स के हेडिंग के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। काफ़ी लोगों को जूम देखने में दिक्कत होती है, मैं एक एक चीज़ पढ़ता हूँ फिर भी उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड पॉइंट है टू डेवलप द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट है टू इनेबल देम टू कॉम्प्रिहेंड द थॉट पैसेज। फिफ्थ पॉइंट है टू इनेबल देम टू गेट एन्जॉयमेंट थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश। सिक्स्थ पॉइंट है टू प्रोमोट द राइटिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। सेवन्थ पॉइंट है टू प्रोड्यूस कैपेसिटी इन स्टूडेंट्स टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन इंग्लिश। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंतर्गत आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, अ गोल्डन बाउल, इसको पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। मैक्स यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्टोरी गोल्डन बाउल। सेकेंड पॉइंट है टू ऐड सम न्यू वर्ड्स लाइक पॉट, सोल्ड, पॉट्स, स्ट्रीट्स, डिस्ट्रिक्ट टू एक्टिव वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन द गोल्डन बाउल। अगली हेडिंग यहाँ पे अब आती है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में देखिए यहाँ पे लिखा गया हेडिंग स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लर्न द सिमिलर स्टोरीज टू दे हैव सम नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। अगली हेडिंग है मटेरियल एड्स, इसमें लिखा गया ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स। अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट कही जाती है लेसन प्लान के लिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बच्चों को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पे मैं बता दूँ इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लेंगे अगर आप लोग डेली बेसिस मेरी वीडियोज़ देखते होंगे। तो इसको यहाँ पे 2 कॉलम में डिवाइड करना होता है, वैसे 3 कॉलम में यहाँ टीचिंग एड भी लिखा गया, जरूरी नहीं इसको लिखना। आप 2 कॉलम अगर आपके कॉलेज में गए तो वो भी लिख सकते हैं जनरल, जैसे यहाँ पे लिखा गया। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न का जो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उससे आप दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है गिव सम नेम ऑफ मेटल्स, बच्चे बोलेंगे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, जिंक। सेकंड क्वेश्चन है विच मेटल यूज फॉर मेकिंग यहाँ पे ऑर्नामेंट्स, तो बच्चे बोलेंगे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। थर्ड क्वेश्चन है विच मेटल इज मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, तो इसमें से बोलेंगे बच्चे गोल्ड इज मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे नीचे गिव सम नेम ऑफ यूटेंसिल मेड ऑफ ग्लास गोल्ड, बच्चे बोलेंगे ग्लास, प्लेट, बाउल। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट गोल्डन बाउल, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, अभी इस चैप्टर को तो इन्होंने पढ़ा नहीं है। जैसे प्रॉब्लमेटिक होगा आप अपना यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ द एम देखिए यहाँ पे लिखा गया है
टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी द गोल्डन बाउल। अब बच्चों को स्टूडेंट्स को पता चल गया कि उनको आप गोल्डन बाउल चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, उसको पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको बनाने के लिए चार कॉलम डिवाइड किया गया, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड और मटेरियल एड्स। यहाँ पे पहला टीचिंग पॉइंट है मॉडल रीडिंग। पीपल टीचर एक्टिविटी में देखिए लिखा गया द पीपल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनंसिएशन, एंटोनेशंस, पॉजेस, स्ट्रेस एंड एसेंट। स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखा गया द स्टूडेंट विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। सेकेंड यहाँ पे हेडिंग है टीचिंग पॉइंट में इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग में स्टूडेंट पीपल टीचर एक्टिविटी वाले कॉलम में लिखा गया द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेस, स्ट्रेस एंड एसेंट। स्टूडेंट उसको रीड करेंगे, द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉजेस, स्ट्रेस एंड एसेंट। बोर्ड पे आप देखिए यहाँ पे लिखा गया स्टोरी को, वंस अपॉन अ टाइम इन द किंगडम ऑफ सेरी द बोधिसत्व हु बॉट सोल पॉट्स एंड पैंस वॉच कॉल्ड सेरीवन इन द कंपनी ऑफ एंड द सेलर ऑफ पॉट्स एंड पैंस अ ग्रीडी फेलो ही क्रॉस द रिवर तेल वस्त्रा एंड इंटर्ड द सिटी ऑफ अंधपुरा। डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पैंस ईच इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे अगली यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। द पीपल टीचर विल डू द टास्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल किंगडम सोल ग्रेडी क्रॉस्ड स्ट्रीट्स। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया द स्टूडेंट विल करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल किंगडम सोल ग्रेडी क्रॉस स्ट्रीट्स। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पे आपका अगला पॉइंट, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। टीचिंग पॉइंट एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड बाई यूजिंग सुटेबल डिवाइस वर्ड मीनिंग डिवाइसेस। सोल्ड है यहाँ पे, उसका मीनिंग होता है बेचा, ग्रेडी लालची, क्रॉस पार करना, स्ट्रीट गली डिस्ट्रिक्ट जिला। डिवाइस है यहाँ पे सोल्ड का अपोजिट वर्ड बॉट, ग्रेडी का अपोजिट जेंटल, क्रॉस का अपोजिट यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया उससे ही इज क्रॉसिंग द लिमिट। स्ट्रीट से यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया स्ट्रीट्स आर एम्प्टी इन द डार्क नाइट। डिस्ट्रिक्ट है इससे सेंटेंस बनाया गया आगरा इज अ डिस्ट्रिक्ट। आप इसके हिसाब से अपना अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। वर्ड मीनिंग आप बोर्ड पे भी लिख दीजिए, यहाँ पे जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई इसको देख के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन देना है यहाँ पे हिंदी में, उसको एक्सप्लेन करना है। बहुत समय पहले सेरी की राजधानी में बोधिसत्व था जो बर्तन को बेचता व खरीदता था तथा सेरीवन कहलाता था। दूसरे बर्तन बेचने वालों की संगत में एक लालची नदी को पार करके अंधपुर में चला जाता है। गलियों में विभाजन के बाद ये वे सब अपनी अपनी गली में बर्तन बेचते हैं। साइलेंट रीडिंग है द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड आउट द पैसेज साइलेंटली। स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। अगली यहाँ पे पॉइंट है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ किंगडम से ऑफ सेरी, तो इसका आंसर मिलेगा बोधिसत्व। सेकेंड क्वेश्चन है हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पैंस, तो इसका आंसर मिलेगा बच्चों से सेरीवन। नेक्स्ट अब आते हैं, आगे हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पीपल टीचर यहाँ पे फिर से तीसरा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे अपना व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिवर, तो स्टूडेंट बोलेंगे द नेम ऑफ द रिवर इज तेल वस्त्रा। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच सिटी दे एंटर्ड, आंसर मिलेगा यहाँ पे दे एंटर्ड इन द सिटी ऑफ अंधपुरा। फिफ्थ क्वेश्चन है वेयर डू दे सेल देयर पॉट्स, आंसर मिलेगा दे सेल देयर पॉट्स इन देयर स्ट्रीट्स। एवेल्युएशन क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है द किंगडम ऑफ सेरी इज, इसमें फिल करना है तो यहाँ पे बोधिसत्व होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स कॉल्ड डैश डैश डैश, यहाँ पे आप सभी को पता है सेरीवन, थर्ड सेरीवन कहते हैं उसको। थर्ड क्वेश्चन है ग्रीडी फेलो क्रॉस द डैश डैश डैश, तो यहाँ पे रिवर को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आंसर मिलेगा रिवर। फोर्थ क्वेश्चन है डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन डैश डैश डैश, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा टू। लास्ट में आपका होम असाइनमेंट आता है, इसको होमवर्क भी लिख सकते हैं, होम असाइनमेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होम असाइनमेंट दिया गया लर्न द स्टोरी, तो
तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिला है, हेल्प मिली आप लोगों को इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और सबसे आसानी से पहुँच जाए बिल्कुल फ्री में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।